हेलो एवरीवन तो डी यू एल एल बी के जो एडमिशन हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं तो जैसे कि अभी आप सब देखेंगे कि ऑफिशियल वैसे लिस्ट आपको भी शो नहीं होगी तो मैं uh, जो डॉक्यूमेंट अपलोड है उसका ऑप्शन स्टार्ट हो चुका है तो हम देखते हैं किस तरह से आपको डॉक्यूमेंट अपलोड uh, करने हैं उससे पहले मैं आपको बता दूँ जैसे कि कोई ऑफिशियल लिस्ट अभी नहीं आई है जिन स्टूडेंट्स की फर्स्ट मैरिट जिन स्टूडेंट्स का फर्स्ट मैरिट में नाम है तो आप कैसे चेक करेंगे कि आपका नाम फर्स्ट मैरिट में है या नहीं तो उसके लिए आपको सबसे पहले कहाँ जाना है अपने गूगल पोर्टल पे जाना है आपको पीजी पोर्टल पे मैं दिखाती हूँ तो यहाँ हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर गए और यहाँ वेबसाइट पे जाने के बाद आपको एडमिशन ट्वेंटी ट्वेंटी पे जाना है और उसके बाद आपको अपना पीजी पोर्टल यहाँ से आप जब अपना पीजी पोर्टल लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना है ठीक है ईमेल आईडी और पासवर्ड जब आप डालेंगे तो ईमेल आईडी और पासवर्ड डालने के बाद आपको एक न्यू ऑप्शन दिखाई देगा और वो न्यू जो ऑप्शन है वो न्यू ऑप्शन यहाँ पे कुछ इस तरह से दिखाई देगा कि आपको यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट एंड डॉक्यूमेंट्स एंड अप्लाई अगर आपको ये ऑप्शन दिख रहा है इसके साथ आपकी स्टेटेड स्टेटस क्या है कि शॉर्ट लिस्टेड फॉर एडमिशन अगर आपको एडमिशन जो है यहाँ पे फर्स्ट कट ऑफ में आपका नाम आ गया है तो आपको ये इस तरह का दिखाई देगा तो आपको सबसे पहले क्या करना है जैसे मैंने आपको बताया आपको पोर्टल पे जाना है और अपने स्टेटस देखनी है ठीक है इसके बाद आपको जो है वो डॉक्यूमेंट्स मैंने जैसे कई वीडियो में बताया है डॉक्यूमेंट्स कैसे कौन कौन से लगेंगे तो वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं अब एक और चीज़ यहाँ पे ये यह है कि आप सबका नहीं देख सकते कि अभी कट ऑफ कितनी गई है तो अगर आपका नाम अभी इस लिस्ट में नहीं आया है तो आपको सेकेंड लिस्ट का वेट करना है और हो सकता है कि जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और जब वीडियो पब्लिश हो और हो सकता है इवनिंग तक या जब आप इस वीडियो को देखें तो एक ऑफिशियल कट ऑफ आ जाए तो वो और भी अच्छा है तो आपको देखना है दोनों चीज़ देखनी है और इसके साथ ही जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे अपलोड डॉक्यूमेंट्स एंड अप्लाई ठीक है तो यहाँ पे इसके बाद जो है आपको क्या दिखाई देगा यहाँ पे कि यहाँ पर आपको फिर कुछ इस तरह से ये दिखाई देगा कि आपको क्या करना है अपने डॉक्यूमेंट्स जो है अटैच करने हैं तो डॉक्यूमेंट्स आप जैसे ही भी अटैच करेंगे जैसे क्लास ट्वेल्थ है जो जो डॉक्यूमेंट्स लगने हैं आपको यहाँ दिख जाएंगे जिसका डॉक्यूमेंट नहीं है यहाँ पे देखो डाउनलोड फॉर्मेट ऑफ अंडरटेकिंग आपको वो अंडरटेकिंग का फॉर्मेट डाउनलोड करना है और सारी चीजें उसको फिल करके उसके बाद इसे सबमिट कर देनी है ठीक है तो यहाँ पे जो आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे क्लास ट्वेल्थ यहाँ पे आप जब देखेंगे कहीं पर भी ऐसा मैंशन नहीं है कि आपको सेल्फ अटेस्ट डॉक्यूमेंट देने हैं या ऐसे ही देने हैं तो आप यहाँ पे बिना सेल्फ अटेस्ट डॉक्यूमेंट्स भी लगा सकते हैं तो आपके टेंथ और ट्वेल्थ के जो मार्कशीट हैं, आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको अपना पोर्टल खोलने से पहले आप कोशिश कीजिए कि आप लैपटॉप पर ये सारी चीज़ें करें और आप जो डॉक्यूमेंट अपलोड करें उसको स्कैन जरूर करें और स्कैन करने के साथ यहाँ पर उस जो भी डॉक्यूमेंट लगने हैं आप जैसे यहाँ पे आ, पूरे आप डॉक्यूमेंट्स देख लें और उसके बाद यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको पहले स्कैन करके प्रॉपर जो फाइल है उसकी उनकी, उनकी फाइल बना के आप रख लें जैसे कि आप अंडरटेकिंग दे रहे हैं ठीक है तो आप अंडरटेकिंग दे रहे हो तो अंडरटेकिंग क्या करो आप पहले उसका जो प्रिंट आउट है यहाँ पर डाउनलोड करो फॉर्मेट और उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग अंडरटेकिंग को भर लो ठीक है अंडरटेकिंग से रिलेटेड अंडरटेकिंग कितने दिन की मिल रही है ये सारी डिटेल आपको अंडरटेकिंग में मेंशन होगी ठीक है अभी उसका फॉर्मेट मुझे नहीं मिल पाया है क्योंकि ये आपको बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा ही मिलेगा आप डाउनलोड करो और अंडरटेकिंग आप सिंपली भरो उसके बाद उसको भी तैयार करके रखो और जिनके आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं आप उन डॉक्यूमेंट्स को लगाओ और यहाँ पे देखो मोटे मोटे मैंने ये डॉक्यूमेंट्स दिख रहे हैं ट्वेल्थ क्लास का लगेगा और इसके साथ ही बाकी एग्जामिनेशन जो आपका ग्रेजुएशन है उसकी और यहाँ पे साइज दिया है आपका साइज इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए और माइग्रेशन सर्टिफिकेट जैसे कि मैंने कई बार बताया है माइग्रेशन सर्टिफिकेट उनको देना है जिनकी ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से नहीं है अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो तो आपको ये कोई अंडरटेकिंग देने की ज़रूरत नहीं है आप सॉरी आपको कोई माइग्रेशन सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है लेकिन एक केस और ऐसा आता है जहाँ पर आपने मास्टर्स की है मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से की है और आपकी जो मास्टर्स है मास्टर्स आपकी हुई है दूसरी यूनिवर्सिटी से और अब यानी कि अब आप जो एल एल बी है ठीक है आप एल एल बी के लिए डी यू डी यू पे आप क्या कर रहे हो कि डी यू के लिए आप एल एल बी के लिए करा है ठीक है तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि आप यहाँ पे आपको माइग्रेशन देना पड़ेगा जहाँ से आपने एम की है क्योंकि यूनिवर्सिटी ये कहता है कि आपका लास्ट अटेंडेड जो यूनिवर्सिटी है आपकी लास्ट अटेंडेड यूनिवर्सिटी है आपकी अगर डी नहीं है तो वहाँ से आपको माइग्रेशन देना है अगर आपकी डी ही है तो आपको माइग्रेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है और इसके साथ ही यहाँ पे देखे। कास्ट सर्टिफिकेट देखिए कास्ट सर्टिफिकेट के लिए इन्होंने कोई अंडरटेकिंग नहीं दी है ठीक है कास्ट सर्टिफिकेट के लिए कोई अंडरटेकिंग नहीं, नहीं है तो यहाँ पे आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगाना ही है और एक और चीज़ ये है कि कास्ट सर्टिफिकेट जैसे मान लीजिए आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगाया था या ई का नहीं लगाया था तो अब आप इसमें वो अटैच नहीं कर सकते हो अगर आप अटैच करोगे वो माना नहीं जाएगा ठीक है एक दूसरी चीज़ और है कि जिन स्टूडेंट्स ने रिसीप्ट लगाई होगी तो उन स्टूडेंट्स को यहाँ पे उसका जो है वो रिसीप्ट नहीं यहाँ पे वो ओरिजिनल आपको यहाँ पे लगाना है ठीक है इसके साथ ही आ, ऐसा नहीं है कि आप बिना अपडेट किया वो लगा दोगे और आपका पूरा वेरीफाई होके फ्री पोर्टल आ जाएगा ठीक ऐसा नहीं होगा तो आप ये लगाओगे इसके बाद यहाँ पे पी डब्ल्यू बी डी सर्टिफिकेट ये तो सबके लिए नहीं है जो यहाँ पे है उनके लिए है जिन्होंने इसके लिए अप्लाई करा हो और इसके साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि जब आप इसको सबमिट करेंगे सबमिट करने के बाद यहाँ पे अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक होंगे तो सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक होने के साथ जैसे कि मान लीजिए सारे डॉक्यूमेंट्स कैसे ठीक होंगे वो सब वेरीफाई होगा ठीक है जब आप वे, आपका वेरीफाई होगा तो जिन स्टूडेंट्स के सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे होंगे और वेरिफिकेशन में भी सब ठीक होगा तो उन स्टूडेंट का फी का पोर्टल आ जाएगा ठीक है फीस के पोर्टल में जो मैं आपके आपको बता दूं फीस के बारे में भी कि आपको जो फीस पे करनी है वो आ, जैसे कि केसमेट जो है उनकी फ़ीस को रिड्यूस कर लिया गया है तो आपकी फ़ीस आठ नौ सौ या एक हज़ार रुपये उससे आपके कम लगेगी ठीक है तो आपकी फ़ीस हो सकता है जनरली जो है वो फोर थाउजेंड टू हंड्रेड एंड सेवेंटी फाइव अप्रॉक्स जो है वो इतनी लगे फीस ज़्यादा नहीं है इसकी ठीक है तो फीस का पोर्टल आपको आ जाएगा फीस जब आप फीस भर दोगे ठीक है फीस भरने के बाद जो है आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा और फीस भरने के तुरंत बाद आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपको कौन सा सेंटर अलॉट हो रहा है और सेंटर अलॉटमेंट जो लिस्ट है वो मैं आपको बता दूँ काफी स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं आपने जो फर्स्ट प्रेफरेंस भरा है भरी है फर्स्ट प्रेफरेंस आपकी चेंज नहीं हो सकती है अगर आपके फर्स्ट प्रेफरेंस में जो है कट ऑफ के अकॉर्डिंग मार्क्स आते हैं तो आपको आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग मिलेगा जैसे कि काफी सारे स्टूडेंट्स ने स्टूडेंट्स ने जैसे कि मान लीजिए एल सी वन या एल सी टू भर दिया और उनके मार्क्स अच्छे आए हैं और वो सी एस सी लेना चाहें तो ऐसा नहीं है क्योंकि काउंसलिंग ऑनलाइन हो रही है और ऑफलाइन नहीं है कि आप कम्युनिकेट ज्यादा अच्छे से कर सको तो यहाँ पे ऐसा सीन नहीं है और इसके साथ ही एक और इम्पॉटेंट चीज़ ये है कि सेंटर अलाटमेंट लिस्ट के बारे में आपको बता रही थी वो आपको अभी नहीं पता चलेगी जब तीनों जो है यहाँ पे तीनों कट ऑफ के एडमिशन हो जाएंगे उसके बाद ज़रूरत होती है तो और भी कट ऑफ लिस्ट आती है तो जब सबके एडमिशन हो जाएंगे उन सभी एडमिशन एडमिशन्स के साथ साथ सबके फी सबकी फ़ीस जो है वो भर जाएगी उसके बाद आप यहाँ पर क्या कर सकते हो उसके बाद आपका आपके सेंटर जो अलॉटमेंट लिस्ट है वो आएगी सेंटर अलाटमेंट लिस्ट आने के बाद जिसका जो सेंटर है ठीक है वो सेंटर जो उसको मिला है वो सेंटर कभी भी चेंज नहीं होता है आपको वही सेंटर एक्सेप्ट करना पड़ेगा ठीक है तो और दूसरी चीज यहाँ पे ये है कि अगर आप अपने काउंसलिंग टाइम पे नहीं कराते हो तो आपको शायद दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा तो जो आपका टाइम गिवन है 3 दिन आप उसमें अपनी काउंसलिंग कराइए और कोई गलती करने से पहले आप सारी गाइडलाइंस को बहुत अच्छे से पढ़ो ठीक है ऐसे नहीं है कि जल्दबाजी में कर दो आपका ही पोर्टल है कहीं जाएगा नहीं आराम से सारी गाइडलाइंस को पढ़ो सारे डॉक्यूमेंट्स को पहले अपने लैपटॉप में आप रख लो या अगर आप फोन से कर रहे हो जैसे भी आप कर रहे हो आ, इट्स टोटली अपॉन यू आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की फाइल जो है वो बना के उसके नाम से रखो देन उसके बाद उनको अपलोड करो ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो और अगर आपको नहीं आ रहा है आप किसी से पूछो कुछ भी गलत मत करना क्योंकि ऑनलाइन में क्या हो रहा है कि अगर कुछ आप गलत करते हो तो एडमिशन कैंसिल कर देते हैं ठीक है तो ये आपको अच्छे से देखना है और इसके साथ ही यहाँ पे आपको पूरा सबमिट करना है तो आपकी कोई भी क्वेरी है आप उसे पूछिए हम आ, जैसे कि अभी काफ़ी स्टूडेंट्स ने यही पूछा कि लिस्ट कब आएगी लिस्ट कब आएगी देखिए इस मैं काफ़ी स्टूडेंट्स का इससे इसमें जवाब नहीं दे पाई क्योंकि लिस्ट का जो शेड्यूल था वो ट्वेंटी फाइव था ठीक है लेकिन उन्होंने नहीं दी अब ये क्या होता है कि जो Uh, उनके हाथ में है उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता तो जब वो रिलीज़ करेंगे तभी हम आपको इन्फॉर्म कर सकते हैं तो आप इतना काम कीजिए ऑल द बेस्ट जिनका uh, जो पोर्टल ओपन हो गया है उनको कॉन्ग्रेचुलेशन जिनका नहीं हुआ है उनका जल्दी ओपन हो जाएगा आप ट्राई करते रहें एंड ऑल द बेस्ट